नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ये स्टॉक 15 रुपीज 60 पैसा पे ट्रेड कर रहा है। 5.85% का आज इसने अप मूव दिया है। मार्केट कैप इसकी हो गई है 75,694 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है 50.40% की। इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं उसको। अभी चलते हैं हम चार्ट पे। तो ये हमने चार्ट चैनल बनाया था एक, यहाँ पे ईएमए क्रॉस का इंडिकेटर लगा है एंड आरएसआई का ऑसिलेटर लगा है। तो यहाँ पे जो चार्ट अभी बना हुआ है, तो कल हमने, अगर किसने कल की वीडियो देखी है तो कल हमने उम्मीद करी थी कि हो सकता है यहाँ से, हमें उम्मीद थी कि अप मूव देगा और 9% के आसपास की उम्मीद थी, क्योंकि उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस आती थी। पर इसने पहले ही नीचे वाली से ही इसने रेजिस्टेंस ले ली है, क्योंकि यहां से भी रेजिस्टेंस की देखी गई है एंड यहां भी इस पर रेजिस्टेंस आ रही थी, तो वहीं से रेजिस्टेंस इसने रिजेक्शन ली है एंड 5.78% लगभग 6% के आसपास का इसने मूव दिया है। तो देखिए, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज पिछले कल से ज्यादा आया है, लगभग इसमें 50 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया है। सो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम चले तो हो सकता है कल इससे ज्यादा वॉल्यूम आए। वैसे यहाँ पे एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं दिखाता है, तो एक बार हम यहाँ पे मनी कंट्रोल पे भी वॉल्यूम इसका देख लेते हैं। सो मनी कंट्रोल पे जो वॉल्यूम दिखा रहा है वो है 61 करोड़ का, तो मतलब 61 करोड़ का आज वॉल्यूम आया है। कल जो वॉल्यूम आया था वो 38 करोड़ के आसपास का आया था, एक बार हम चेक कर लेते हैं। कल आया था, हाँ जी, यहाँ पे 33 करोड़ के आसपास का दिखा रहा है, तो 38 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया है कल। सो अब देखिए, वॉल्यूम एकदम से बड़ा है एंड मूव भी अच्छा आया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि यहां से अब स्टॉक थोड़े से अप मूव दे सकता है। अगर कल वॉल्यूम अच्छा आया तो ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होती है तो ये काफी अच्छी चीज रहेगी। एक बार इसका सर्किट देख लेते हैं हम कि इसका सर्किट कितना है। तो इसके बैंड की बात करें तो इसका बैंड है 10% का, तो इसी के हिसाब से हमने ये सोचा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकती है। तो अगर कल की बात करें तो पहले तो इसको हम हटा देते हैं। कल की बात करें तो कल अगर वॉल्यूम अच्छा आता है और इसको रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए देख लेते हैं एक बार, हमें कितने परसेंट का चाहिए रहेगा। अगर ये 10% के आसपास हमें दे देता है तो ऑलमोस्ट तब भी फिर भी एक रेजिस्टेंस आगे वाली, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके आगे रहता है, दूसरा रेजिस्टेंस आएगा। तो देखिए, अब बात यह है कि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है एंड एक बार हम न्यूज के ऊपर नजर मार लेते हैं कि न्यूज तो अभी के लिए वोडाफोन आइडिया को लेके कोई ऐसा सच न्यूज नहीं है बीएससी पे जो ऑफिशियल न्यूज होती है, तो अभी कोई न्यूज नहीं है, तो इसके अप एंड मूव प्राइस के इसमें कोई फर्क करेगा नहीं, ये अभी कोई न्यूज के है नहीं। तो अभी बस इतना देखा जा सकता है कि एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम ऊपर है एंड यहाँ पे भी आरएसआई के पास काफी सारा रूम है, तो उम्मीद तो है कि ऊपर जाएगा। बाकी अपना स्टॉप लॉस जरूर लेके चले, क्योंकि आपको पता है वैसे तो अभी मार्केट करेक्ट हुई है एंड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मॉर्निंग स्टार की थोड़ी सी रिजेम्बलेंस दे रहा है। वैसे यहाँ पे डॉजी नहीं बना है पर कहीं ना कहीं ये मॉर्निंग स्टार की रिजेम्बलेंस दे रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से ये स्टॉक आगे हमें थोड़े अच्छे मूव दिखा सके। ठीक है, तो अभी के लिए एनालिसिस में इतना ही, बाकी आप जानिए, पढ़िए, समझिए और फिर इन्वेस्ट करिए। बाय सेल और होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।